नमस्ते दोस्तों, कैसे उम्मीद करते बढ़िया होंगे। हम लेकर आए हैं नई वीडियो और नई जानकारी। आज के इस वीडियो में हम आपको वैभव छाबड़ा की सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे। आईएएस की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए वैभव छाबड़ा किसी मिसाल से कम नहीं है। दिल्ली के रहने वाले वैभव छाबड़ा एक या दो या तीन बार नहीं बल्कि 8 बार फेल हुए और उन्हें एक दर्दनाक एक्सीडेंट भी झेला है। एक समय इनकी हालत ऐसी थी कि इन्हें बिस्तर पर लेट कर पढ़ाई करनी पड़ी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। साल 2018 में यूपीएससी के आईएएस की परीक्षा में 32वीं रैंक लाकर उन्होंने साबित कर दिखाया कि मेहनत करने वाले अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। वैभव छाबड़ा एक समान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बचपन से उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वह स्कूल के दिनों में एक औसत स्टूडेंट रहे हैं। 12वीं पास करने के बाद उन्होंने जैसे तैसे बीटेक के लिए दिल्ली के नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया था। बीटेक की पढ़ाई में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें बीटेक खत्म करने में 5 साल लग गए। बीटेक करने के बाद जब वो कॉलेज से निकले तब उनके हाथ में 56% अंक वाली मार्कशीट थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। तभी उनके दिमाग में विचार आया कि उन्हें कोचिंग पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, शायद इससे उनका पढ़ाई में मन लगे और कुछ वो नया प्लान कर सके। उनका यह आइडिया काम कर गया। धीरे धीरे किताबों से उनकी दोस्ती हो गई। आगे उन्होंने तय किया कि उन्हें आईएएस बनना है और वह खुद को अपने इस सपने के लिए समर्पित कर देंगे। वैभव आईएएस बनने के लिए खूब मेहनत कर रहे थे, मगर उनका लक्ष्य आसान नहीं था। सफलता के लिए उन्होंने लगातार 8 बार यूपीएससी की परीक्षा दी, मगर वो पास नहीं हो सके। यही नहीं, अंतिम प्रयास से पहले उन्होंने एक दुर्घटना का दर्द भी झेला है। उनकी पीठ पर काफी चोट आई थी जिसके कारण वो करीब 8 महीने तक बिस्तर पर रहे। यह एक ऐसी स्थिति होती है जब अच्छे से अच्छा इंसान टूट जाता है, मगर वैभव ने हार नहीं मानी। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उनकी मेहनत रंग लाई। वर्ष 2018 में आईएएस की 32वीं रैंक लाकर एक नई कहानी लिख दी, एक ऐसी कहानी जिसकी लोग आज मिसाल देते हैं। तो आपको वैभव छाबड़ा की सक्सेस स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएगा। और अंत में कहूँगा, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर सक्सेसफुल स्टोरी और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।